हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1। यह एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें करना क्या है दिया हुआ है, जो एपी दे रखी है, क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपी फाइंड या राइट करना है हमें फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें इस एपी का क्या करना है, पहला टर्म निकालना है और साथ में इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो भाई देखो, फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म यह होता है ए और यह इक्वल होता है ए वन के, और इस एपी का जो ए वन है वह 3 है। तो यहां से आपका जो फर्स्ट टर्म है वह आ जाएगा 3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस होता है डी, और डी जो होता है वह निकलता है ए टू माइनस ए वन। मतलब आपका क्या करिए, जो भी एपी दे रखा है उस एपी का आपको क्या करना है, सेकेंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म को क्या करना है, माइनस कर देना है। उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वही हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर देखेंगे डी, तो भाई ए टू कितना दे रखा है, 1, और ए वन दे रखा है 3। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा -3। तो भाई डी इक्वल टू आ जाएगा -3। तो इस तरह हमने निकाल लिया एपी का पहला टर्म निकाल लिया और साथ में कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब इसके बाद देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट का। यहां पर भी इसका जो फर्स्ट टर्म ए जो है वह इक्वल हो जाएगा -5 के, और जो इसका कॉमन डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस डी यह होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या है इसका, इस एपी का आप ए टू देखेंगे, यहां पर इसका ए टू दिया हुआ है -1। तो भाई मैंने लिख दिया -1, बीच में माइनस का साइन, लेकिन ए वन जो है यह फिर से माइनस का ही है। तो हम क्या करेंगे, इस ए वन को हम लिख देंगे ब्रेकेट में, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लगाते हैं। तो यहां पर हो जाएगा -1 प्लस 5, और ये माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4। तो इस तरह डी आपका आ जाएगा 4। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट देखते हैं, पिन चेंज कर देते हैं। यहां पर इसका फर्स्ट टर्म लिखना है, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं ए जो हो जाएगा 1/3। ए डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को, तो ए हो जाएगा आपका 1/3। कॉमन डिफरेंस इस बार नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट लिख देता हूं डी। डी क्या होता है, ए टू माइनस ए वन होता है। ए टू क्या है, 5/3, और माइनस ए वन कितना है, 1/3। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4/3। तो भाई डी जो होगा कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा 4/3। ऐसे ही फोर्थ वाले में कर लेते हैं। फोर्थ वाले का फर्स्ट टर्म ए जो है 0.6 दे रखा है, और डी जो है यह निकलेगा ए टू माइनस ए वन करके। ए टू कितना है, 1.7, माइनस कर देंगे 0.6, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.9। तो भाई डी जो है वह आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। तो इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन मतलब बताना है इसमें से कौन सा एपी है। इफ दे आर फॉर्म ऑफ एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म। मतलब पहला, जैसे यहां पर एक सीरीज दे दी है, अब इस सीरीज को हमें बताना है कि यह ए पी है या नहीं। तो हमने जैसा कि अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि किसी भी सीरीज को एपी दिखाने के लिए क्या होगा, उस सीरीज के हर एक कंजिकेटिव टर्म के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस कॉन्स्टेंट आ जाता है, एक जैसा आ जाता है, तो वह एपी फॉर्म ऑफ करेगी। और अगर सीरीज में यह कहा है कि अगर वह एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और कॉमन डिफरेंस के बाद
जो ये टर्म दिए हैं इसके बाद थ्री मोर टर्म, मतलब और तीन टर्म और आपको निकालने हैं। चलिए पहले चेक करते हैं कि यह एपी है या नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे फर्स्ट में ए वन जो है यह दे रखा है टू, और ए टू दे रखा है फोर, और ए थ्री दे रखा है एट, और फोर्थ टर्म जो है ए फोर दे रखा है 16। चलिए हर कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो भाई पहला डिफरेंस आएगा ए टू माइनस ए वन, तो ए टू माइनस ए वन निकालेंगे तो फोर माइनस टू आएगा, यह तो आ गया टू के इक्वल, मतलब पहला जो कंजुगेटिव टर्म था, दो कंजुगेटिव टर्म थे उनके बीच का डिफरेंस आ गया टू। अब निकाल लेते हैं इसके बाद वाला, इसके बाद क्या आएगा ए थ्री माइनस ए टू, ये निकाल लेते हैं। तो ए थ्री कितना आ जाएगा, ए थ्री एट दे रखा है, ए टू फोर दे रखा है, तो भाई एट माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फोर। अब देखा हमने कि पहले दो कॉन्जिकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस टू आया है, लेकिन उसके बाद वाले जो कॉन्जिकेटिव टर्म है उनके बीच का डिफरेंस फोर आया है। तो इसके बाद आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो यहां पर लिख देना कि ए टू माइनस ए वन डज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये इसके इक्वल नहीं है, मतलब यह ए पी का फॉर्म नहीं होगा। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट ए पी, यह एपी नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो भाई पहला तो हो गया, अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में देखेंगे यहां पर ए वन दे रखा है आपका टू पहला टर्म, और ए टू दे रखा है फाइव बाई टू, ए थ्री दे रखा है आपका थ्री, और ए फोर दे रखा है सेवन बाई टू, इतने टर्म तो दे रखे हैं। अब इनके बीच भी वही काम करेंगे, इनके जो कॉन्जिकेटिव टर्म है इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, ए टू क्या है फाइव बाई टू, और ए वन दे रखा है टू, तो हमने लिख दिया फाइव बाई टू माइनस टू लिख दिया। अब यहां पर क्या होगा, वन एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा टू, और ये फाइव टू टू जा हो जाएगा फोर, भाई ये तो आ जाएगा फाइव माइनस फोर करेंगे वन बाई टू, तो भाई पहला जो कॉमन डिफरेंस है वह आ गया वन बाई टू। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसके बाद वाला टर्म, अब इसके बाद हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना दे रखा है थ्री दे रखा है, और ए टू कितना है फाइव बाई टू, तो भाई यहां पर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा टू टू थ्री या सिक्स माइनस फाइव कर देंगे, ये आ जाएगा वन बाई टू, तो भाई ए थ्री आ गया वन बाई टू, सॉरी ए थ्री माइनस ए टू जो है यह आ गया वन बाई टू। तो अभी देखा दो इन दो, अभी तो भाई सेम सेम है, दो का पहले दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस वन बाई टू आया, उसके बाद भी वन बाई टू आया। चाहे तो एक बार और चेक कर ले, ए फोर माइनस ए थ्री उसका भी वन बाई टू आएगा, सेम सेम आ गए, कॉमन डिफरेंस सेम आ गए। यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंस ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। इसके बाद क्या लिख देंगे, देयर फोर इट इज एन ए पी, यह क्या है एक ए पी है। अब जब कह रहा है कि अगर यह एपी है तो उसके बाद कह रहा है कि भाई फाइंड करो कि कॉमन डिफरेंस क्या है, और उसके बाद इसके जो भी जितने टर्म दिए हुए हैं इनसे तीन टर्म और निकालने हैं आपको। तो भाई देखिए इसके बाद, तो ये एपी हो गया। अब इसके बाद हम लिख देंगे क्या, कॉमन डिफरेंस पहला जो पूछ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इन दो कॉन्जिकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस होता है, और वह है डिफरेंस वन बाई टू का। तो भाई कॉमन डिफरेंस तो आ गया वन बाई टू, ये तो हो गया काम। इसके बाद कह रहा थ्री मोर टर्म, तीन और टर्म लिखना है, तो दिए कितने टर्म है फोर टर्म दे रखे हैं, तो फोर के बाद थ्री टर्म आएंगे ए फाइव ए सिक्स और ए सेवन, तो मतलब हमें निकालना क्या है, ए फाइव निकालना है, ए सिक्स निकालना है और ए सेवन निकालना है। और ए फाइव जो होता है यह इक्वल होता है ए प्लस फोर डी के,
अब यहां पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू दे रखा है 2, तो भाई 2 लिख देते हैं, प्लस 4 इंटू डी, और डी की वैल्यू हमने निकाला है 1/2, ये कट जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4 कट गया, तो ये आएगा 2 और 2 1 जा हो जाएगा 2, और 2 और 2 को ऐड कर देंगे ये आ जाएगा 4, तो हमने निकाल लिया इसका फिफ्थ टर्म आ गया 4। ऐसे ही निकालेंगे सिक्स टर्म, ए सिक्स निकालेंगे, ए 5 होता है ए प्लस 4 डी, ए 6 हो जाएगा ए प्लस 5 डी। अब ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है प्लस 5, डी की वैल्यू है 1/2। अब ये रेशनल फॉर्म में दिया है, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा 4, 5 1 जा 5, ये आ जाएगा आपका 9/2, तो आपका 6th टर्म आ गया 9/2। ऐसे निकाल लेंगे हम 7th टर्म, ए 7 यह आ जाएगा ए प्लस 6 डी हो जाएगा। चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, ए की वैल्यू क्या दे रखा है, ए की वैल्यू आपकी है फर्स्ट टर्म 2 है, 2 लिख दिया हमने, प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू यहाँ देखेंगे 1/2 है, 1/2 लिख देंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा कट जाएगा, 2 प्लस 3 तो वही ये हो जाएगा 5। तो इन्होंने पहले कहा था दिखाइए कि एपी है कि नहीं, तो हमने दिखा दिया एपी है। उसके बाद कहा अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। इसके बाद कहा 3 मोर टर्म, इसके 3 और टर्म निकालना है, 4 टर्म दे रखे थे मतलब 3 और टर्म निकालना, 5th टर्म निकालना है, 6th और 7th, हमने 6th, 5th और 7th टर्म भी निकाल दिया। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद थर्ड नंबर काम आपको बस वही काम करना है जो पहले किए थे, पहले आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं, और जब एपी कंफर्म हो जाए कॉमन डिफरेंस और 3 और टर्म निकालना है। तो भाई पहला देखेंगे, ये थर्ड वाला जो दे रखा है, इसका A1 जो दे रखा है -1.2 दे रखा है, और A2 जो दे रखा है ये -3.2 दे रखा है, और A3 जो है वह दिया है -5.2 दे रखा है, और A4 मतलब यहाँ पर भी 4 टर्म दे रखे हैं ऐसे। तो भाई पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 निकालते हैं, A2 माइनस A1 तो A2 कितना है -3.2 माइनस, अब देखेंगे A1 माइनस का है, बीच में साइन भी माइनस का है, तो A1 को आप लिख दो ब्रैकेट के अंदर, लिख दिया हमने ऐसे, तो ये आ जाएगा -3.2, और ये भी दोनों माइनस के, प्लस का 1.2। अब यहाँ पर देखेंगे -3.2 है, प्लस 1/2 है, एक साइन माइनस का है दूसरा प्लस का है, दोनों को सब्ट्रैक कर देंगे, और सब्ट्रैक करेंगे तो बचेगा भाई ये -2 का, मतलब दो जो कॉन्जिकेटिव फर्स्ट कॉन्जिकेटिव टर्म थे इनका डिफरेंस आ गया है 2, भाई ये -2 आएगा। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 निकालते हैं, और A3 है आपका -5.2, बीच में माइनस, A2 माइनस का है, -3.2 है, और ये हो जाएगा आपका -5.2, ये दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएगा 3.2, माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी -2 आ गया। ऐसे और अगर निकालना चाहे तो A4 माइनस A3 भी निकाल लो, आएगा -2 ही। तो यहाँ पर देख लिया इनके बीच का कॉमन डिफरेंस तो सेम आ गया, तो भाई यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंस A2 माइनस A1 यह इक्वल आ गया A3 माइनस A2 के, यह इक्वल आ गया, देयरफोर इट इज एन AP, यह क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगी, और जब AP कंफर्म हो जाता है तो हम कॉमन डिफरेंस बताएंगे। तो भाई इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो है यह होता है डी, और डी होता है दो कॉन्जिकेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस, वह आया है -2, तो भाई डी आ जाएगा आपका -2। अब इसके बाद 4 टर्म दे रखा है, और इसके बाद के टर्म निकालने हैं, निकालना क्या है, A5 निकालना है, और A5 जो है यह इक्वल हो जाएगा A प्लस, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना N-1, मतलब 5-1 कितना आ जाएगा 4D,
अब यहां पर आएगा ए की वैल्यू क्या है, ए की वाई वैल्यू क्या है, -1.2 प्लस 4 इंटू में डी है -2, तो ये हो जाएगा आपका -1.2 और 4 2 जा हो जाएगा 8। इन दोनों साइन माइनस के हैं, ऐड हो जाएगा। -1.2 में -8 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -9.2 आ जाएगा। A5 निकल आया है, A6 निकाल लेते हैं। A6 आ जाएगा A+5D होता है। A दे रखा है कितना, A फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है -1.2, 1.2 लिखेंगे प्लस 5 इंटू हो जाएगा -2, ये आ जाएगा -1.2, 5 2 10, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -11.2 आ जाएगा। तो A5 और A6 निकल आया है, A7 निकाल लेंगे, A7 निकाल देंगे, A7 हो जाएगा A+6D। तो भाई A की वैल्यू दे रखा है -1.2, -1.2 प्लस 6 इंटू डी है -2, तो ये आ जाएगा -1.2 और 6 2 हो जाएगा 12, ये आ जाएगा -13.2। तो इस तरह इनके तीन टर्म और निकल आए हैं, -13.2 आ गया है। अब इसके बाद चेक करते हैं कि जो आपका फोर्थ नंबर वाला है ये एपी है या नहीं है। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर का A1 जो है यह दे रखा है -10, A2 दे रखा है आपका -6 और A3 जो है यह दे रखा है, A3 -2 दे रखा है, इसको भी नीचे लिख देते हैं, A3 दे रखा है -2 और A4 जो है वह दे रखा है +2। तो वही काम है, पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो भाई A2 -A1 निकालते हैं, A2 -A1 कितना आएगा, -6 है, माइनस साइन है -10, ब्रैकेट में रख देंगे तो 1 -6 +10, ये +4 आ जाएगा। और ऐसे ही निकाल लेंगे A3 -A2 निकालेंगे, A3 कितना है, A3 दिया है -2 और माइनस का साइन बीच में, और A2 कितना है, -6 दे रखा है, ये हो जाएगा -2 +6, ये भी 4 आ गया। अब हम यहां पर हमने देखा A2 -A1 इक्वल टू आ गया A3 -A2 के। तो भाई इसके बाद यहां पर सॉल्व करते हैं, यहां लिखेंगे क्या, सिंस A2 -A1 इक्वल टू है A3 -A2 के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी, या क्या हो जाएगा, एक एपी हो जाएगा। और जब एपी हो जाए तो कंफर्म हो गया, तो कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस जो डी है यह हो जाएगा आपका, जो डिफरेंस आया है यह 4 आया है, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4। और इसके बाद 3 और टर्म निकालना है, 4 टर्म दे रखे हैं, A5 निकालना है, A5 निकालेंगे, यह है A+4D होता है। और A की वैल्यू आप देखेंगे, A की वैल्यू दे रखी है -10 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू दे रखी है 4, ये -10 हो जाएगा, 4 4 जा होता है 16, ये दोनों को माइनस कर देंगे +6 आएगा, तो A5 आ गया है 6। अब इसके बाद A6 निकालेंगे, A6 होता है A+5D और A दे रखा है कितना -10, 5D की वैल्यू दे रखा है 4, भाई ये हो जाएगा -10 और 5 4 जा होता है 20, माइनस प्लस सब्ट्रैक हो जाएगा +10 आ जाएगा, A6 की वैल्यू +10 आ गई है। ऐसे A7 निकालेंगे, A7 हो जाएगा A+6D हो जाएगा, A की वैल्यू कितनी है -10 है, 6 इंटू डी 4 है, ये -10 +24
माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14 प्लस का, तो भाई A7 भी निकल आया आपका 14। तो इस तरह आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉरी फोर्थ के फोर्थ पार्ट हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद फिफ्थ नंबर पे दे रखा है A1 दे रखा है 3 और A2 दे रखा है 3 प्लस रूट 2 दे रखा है और A3 दे रखा है 3 प्लस 2 रूट 2 दे रखा है और A4 जो है यह दे रखा है 3 प्लस 3 रूट 2 दे रखा है, 3 प्लस 3 रूट 2 दे रखा है। तो चार फोर टर्म दे रखे हैं, डिफरेंस निकालेंगे इनके बीच का, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे। भाई A2 कितना है, A2 देखेंगे लिखा है 3 प्लस रूट 2 और माइनस A1 दे रखा है 3, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। 3 से 3 को माइनस कर देंगे, एक प्लस और माइनस जीरो हो जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे A3 माइनस A2 और A3 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस दिया है, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे A2 की वैल्यू को। A2 क्या दे रखा है, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, भाई इसको सॉल्व करेंगे 2 रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा, ब्रेकेट खुलेगा साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस रूट 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 रूट 2 से रूट 2 को माइनस करेंगे रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पर हमने देखा A2 माइनस A1 इक्वल आ गया A3 माइनस A2 के, तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर इट इज एन AP, यह क्या हो जाएगा, एक AP हो जाएगा। जब AP कंफर्म हो गया है तो उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस D होता है और D क्या होता है, इन्हीं कंजुगेटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस निकालते हैं वो रूट 2 आया है, तो ये हो जाएगा रूट 2। तो भाई D भी पता हो गया, कॉमन डिफरेंस भी। अब इसके बाद इसके 3 और टर्म निकालने हैं, तो भाई 4 टर्म तो दे रखे हैं A4 तक, A5 निकालना है, तो A5 क्या हो जाएगा, A+4D और A दे रखा है भाई कितना 3 और 4D की वैल्यू है रूट 2, बस हो गया आपका, इसके बाद ये ऐड ही नहीं होगा, तो यही हो जाएगा 3+4√2। और इसके बाद निकालेंगे हम A6, A6 क्या होगा, A+5D और A कितना है आपका 3 और 5D की वैल्यू है रूट 2, तो भाई A6 आ जाएगा 3+5√2। ऐसे निकालेंगे A7 हो जाएगा A+6D और ये हो जाएगा A है भाई 3 और 6D की वैल्यू है रूट 2, तो इस तरह A7 भी निकल आया आपका। चलिए इसके बाद 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर को देखेंगे, यहां पर दे रखा है A1 इसका दे रखा है 0.2 और A2 दे रखा है इसका 0.022 और A3 दे रखा है 0.222 और A4 दे रखा है 0.222 और 2, ये 4 टर्म दे रखे हैं। डिफरेंस निकालेंगे इनका, A2 माइनस A1 निकालेंगे, भाई A2 कितना है 0.22 माइनस करेंगे 0.2, तो देखिए 0.22 से 0.2 को ऐसे माइनस करते हैं, जीरो लगा देते हैं, 2 आएगा 0, तो आया 0.02, कितना आया 0.02 आ गया। अब इसके बाद हम निकालते हैं डिफरेंस A3 माइनस A2 के बीच का, A3 कितना दे रखा है 0.02
2 माइनस करेंगे 0.22 को, तो भाई इसको भी माइनस कर लेते हैं 0.22 और 0.22 जीरो लगा देंगे, ये 2 आएगा 0 0, ये पॉइंट जीरो, तो ये आ गया 0.002। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ए टू माइनस ए वन आया है वह आया है 0.02, जबकि ए थ्री माइनस ए टू जो आया है 0.002 आया है, मतलब ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहां लिखेंगे क्या, ए टू माइनस ए वन डज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये इसका इक्वल ही नहीं है। जब कंजुगेटिव टर्म के बीच का डिफरेंस इक्वल ना आए तो मतलब वह एपी फॉर्म ऑफ नहीं करेगी, तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, यह एक एपी नहीं होगी। चलिए इसके बाद करते हैं सेवन नंबर। सेवन नंबर दे रखा है एकदम सिंपल सा, इसका ए वन जो दे रखा है जीरो दे रखा है, ए टू देखेंगे तो ये दे रखा है माइनस फोर, और ए थ्री जो है वह है माइनस एट, और ए फोर जो है यह दे रखा है माइनस ट्वेल्व दे रखा है। डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो भाई ए टू माइनस ए वन निकालेंगे, ए टू कितना है माइनस फोर माइनस जीरो, तो भाई माइनस करेंगे माइनस फोर से जीरो तो माइनस फोर ही आएगा, तो पहला डिफरेंस आ गया माइनस फोर। अब निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना है, ए थ्री दे रखा है सॉरी ये तो निकाल, ए थ्री दे रखा है माइनस एट, और ये माइनस ए टू माइनस का तो ब्रेकेट में लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एट और ये प्लस फोर हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस फोर आ गया। अब देखा इनके बीच का डिफरेंस तो सेम आ गया, अगर डिफरेंस सेम आ गया तो यह ए पी होगी, तो यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस ए टू माइनस ए वन इक्वल ए थ्री माइनस ए टू, ये इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज एन ए पी, यह क्या है, एक ए पी है, और ए पी है तो उसके भाई फोर टर्म दे रखे हैं, थ्री टर्म और निकालना है, तो निकाल लेते हैं हम ए, और हाँ सबसे पहले तो डी भी निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो भाई डी क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा जो इक्वल आए हैं, और ये आ जाएगा माइनस फोर, तो डी आ गया माइनस फोर। अब इसके बाद हम निकालते हैं ए फाइव, ए फाइव होता है ए प्लस फोर डी, तो भाई ए तो आपका जीरो दिया है, फर्स्ट टर्म तो जीरो ही है, और प्लस फोर और डी की वैल्यू दे रखी है भाई कितना है माइनस फोर, तो भाई जीरो से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, फोर और फोर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा माइनस सिक्सटीन, तो ए फाइव हो जाएगा माइनस सिक्सटीन, क्योंकि माइनस सिक्सटीन में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो आएगा वो माइनस सिक्सटीन ही। अब हम निकालेंगे ए सिक्स, ए सिक्स होता है ए प्लस फाइव डी, तो ए की वैल्यू है जीरो और प्लस फाइव और डी की वैल्यू है माइनस फोर, तो ये आ जाएगा आपका फाइव फोर जा हो जाएगा माइनस ट्वेंटी, जीरो उसमें ऐड हो जाएगा वो माइनस फोर ट्वेंटी ही रहेगा। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं ए सेवन, ए सेवन होता है ए प्लस सिक्स डी, तो भाई ए दे रखा है जीरो और सिक्स इंटू डी की वैल्यू है माइनस फोर, तो ये हो जाएगा आपका जीरो माइनस ट्वेंटी फोर, तो ये रहेगा आपका माइनस ट्वेंटी फोर, तो इस तरह इसके सेवन टर्म हो गए भाई आपके माइनस ट्वेंटी। अब इसके बाद वाली एपी दे रखी है भाई, तो यहां पर इसका ए वन ये नंबर कौन सा है, ये नंबर है एट नंबर दिया है, यहां देखेंगे आपका ए वन जो है वो माइनस वन बाई टू है, और उसके बाद जितने भी टर्म मतलब ए टू जो है या भी इक्वल आए हैं माइनस वन बाई टू के, और ए थ्री जो है या भी इक्वल है वन बाई टू के, और ए फोर या भी इक्वल है वन बाई टू के। अब यहां पर ये एक ऐसी एपी है जिसका हर एक टर्म माइनस वन बाई टू है,
मतलब ये सीरीज है, अभी एक ही नहीं कह सकते, सीरीज है माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, पूछ रहा है क्या एपी है। तो यहाँ पर ऐसे सिंपल से जानते हैं कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो। लेकिन है क्या, कांस्टेंट तो है, हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, जीरो है। जीरो है अगर डिफरेंस तब भी, मतलब कांस्टेंट आना चाहिए, कंजुगेटिव जो भी टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस हो वह जीरो आए या कांस्टेंट आए, मतलब बदले ना, वह एक जैसी अगर रहे तो वह एपी होगी, मतलब यह एपी है। दिखाने के लिए आपको दिखाना होगा ए टू माइनस ए वन दिखाएंगे, तो भाई क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, बीच में दिया है माइनस और ये माइनस वन बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई टू माइनस, और ये भाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वन बाई टू, ये आ गया जीरो। दूसरा क्या है, ए थ्री माइनस ए टू निकालेंगे, ए थ्री कितना है आपका, ए थ्री हो जाएगा आपका माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू, तो ये आ जाएगा वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू, ये जीरो। तो जीरो है ही डिफरेंस, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, सिंस ए थ्री माइनस ए टू या इक्वल है ए टू माइनस ए वन के इक्वल है, देयर फोर क्या हो जाएगा, इट इज एन ए पी या एक ए पी हो जाएगा, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो। अब इसके बाद वाले टर्म जिसका कॉमन डिफरेंस जीरो है, तो उसका जो ए फाइव होगा वह भी माइनस वन बाई टू होगा, ए सिक्स होगा या भी माइनस वन बाई टू होगा, और ए सेवन जो होगा वो भी माइनस वन बाई टू होगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एक जैसा है, जीरो ही है, जीरो डिफरेंस है। तो उसके हर एक टर्म जो है वो माइनस वन बाई टू माइनस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू हो जाएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, यहां पर दे रखा है नाइन नंबर पर देखेंगे, ए वन जो है ये दे रखा है वन, ए टू दे रखा है आपका थ्री, और ए थ्री दे रखा है नाइन, ए फोर दे रखा है 27, सारे टर्म है, फोर टर्म दे रखे हैं। और पहले निकाल लेते हैं ए टू माइनस ए वन, तो ए टू कितना है, थ्री माइनस वन करेंगे आ जाएगा टू, इसके बाद निकालते हैं ए थ्री माइनस ए टू, ये आ जाएगा आपका नाइन माइनस थ्री, भाई ये तो आ गया सिक्स। अब यहां पर देखा दो टर्म है, दो कंजुगेटिव टर्म, इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं आया है, तो यहां लिख देंगे क्या, सिंस ए टू माइनस ए वन डज नॉट इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ये इसके इक्वल नहीं है, देयर फोर क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन ए पी या एक ए पी नहीं है। ऐसे ही इसके बाद दिया हुआ है 10 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। 10 नंबर में ए वन दिया हुआ है आपका ए, और ए टू दे रखा है आपका टू ए, और ए थ्री दे रखा है थ्री ए, और ए फोर दे रखा है फोर ए, ऐसे दे रखा है, तो फोर टर्म दे रखे हैं। सिंपल सा है, डिफरेंस निकाल लेंगे ए टू माइनस ए वन, तो वही निकाला तो यहाँ पर आया टू ए माइनस ए, तो टू ए से जब ए को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए, तो पहला आ गया ये, फिर निकालेंगे ए थ्री माइनस ए टू, तो ए थ्री कितना है, ए थ्री दे रखा है, सॉरी हाँ ए थ्री दिया हुआ है थ्री ए, और माइनस करेंगे टू ए, इन ये भी आ गया ए के इक्वल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए टू माइनस ए वन यह इक्वल आ गया ए थ्री माइनस ए टू के, ये दोनों इक्वल आ गए। जब इक्वल आ जाता है तब कहते हैं क्या, इट इज एन ए पी, यह एक ए पी है। अब भाई ए पी हो गया है तो इस ए पी का हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वह आया है ए, तो डी हो जाएगा आपका ए के इक्वल, डी आ गया। अब डी आ गया है, फोर टर्म दे रखे हैं, इसके बाद वाले थ्री टर्म और निकालने हैं, तो ए फाइव निकाल लेंगे, ये होता है ए प्लस होता है फोर डी, तो भाई ए जो फर्स्ट टर्म है इस एपी का वह ए ही दे रखा है, तो ए को नहीं चेंज करेंगे, ऐसे लिख देंगे फोर, और डी भी ए दे रखा है तो डी की जगह पर ए लिख देंगे, और
प्लस फोर ए, मतलब फोर ए में एक ए और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा फाइव ए हो जाएगा। ऐसे हम ए सिक्स निकालेंगे तो ये होता है ए प्लस फाइव डी, और ए आपका ए ही रहेगा, फाइव डी की वैल्यू है ए, ऐड कर देंगे ये हो जाएगा सिक्स ए, एक सिक्स जो है सिक्स ए आ गया है। ए सेवन निकालेंगे ये होता है ए प्लस सिक्स डी, तो भाई ए आपका ए सिक्स और डी की वैल्यू क्या है ए, तो ये हो जाएगा आपका सेवन ए। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर फोर के सभी पार्ट हो गए हैं कंप्लीट, और इस तरह आपकी एक्सरसाइज जो है वो भी हो गई है कंप्लीट। अब इसके बाद वाली एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।